पहले मैं आपको एक सिंपल सी बात यहाँ सिखाने जा रहा हूँ, कृपया करके यहाँ ध्यान से देखिए। क्या मैं कह सकता हूँ, जस्ट इमेजिन मान के चलिए कि आपकी अर्थ है, ठीक है, दिस इज योर अर्थ। यहाँ पे ध्यान दो, ये आपकी अर्थ होगी, ये होगी आपकी अर्थ, दिस इज योर अर्थ, ठीक है, यह होगी आपकी पृथ्वी। जस्ट इमेजिन कि ये जो है ये होगी आपका सन, ठीक है। प्रैक्टिकली सोच के देखना जरा, मैं कह रहा हूँ कि सन की जो रेज है वो अर्थ पे पड़ रही है, सन की जो किरणें है वो अर्थ पे ऐसे पड़ रही है, सन की जो किरणें है वो अर्थ पे ऐसे पड़ रही है। कृपया करके यहाँ पे ध्यान से देखो, सन की जो रेज है, जो आपकी सन रेज हैं, वो पृथ्वी पर पड़ रही हैं। जरा इस फिगर को जरा यहाँ पे आप देखें, ठीक है, अगर आप लोग इस चीज को देख पा रहे हैं, ठीक है, अगर आप इस फिगर को यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो क्या आप इस बात को मान सकते हैं कि पृथ्वी के ऊपर सूरज की किरणें पड़ रही हैं? हाँ या ना? बिल्कुल मान सकते हैं। अब मुझे बताओ, अर्थ या सन में से घूमता कौन है, सन या अर्थ? अर्थ ऑब्वियसली बात है, अर्थ रोटेट करती है, ये बात हम सभी जानते हैं। अर्थ जो है हमेशा वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमती है ना? अर्थ जो है हमेशा वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमती है, मान सकते हो? हमेशा पृथ्वी जो है आपकी वो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, मान सकते हो? सन तो अपनी प्लेस पर वैसा का वैसा बना बैठा है, सन तो अपनी जगह पर बैठा हुआ है ना, उसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन सन के सामने से पृथ्वी घूम रही है ना, ये सन है, सन के सामने पृथ्वी घूम रही है ना, मान लो मेरा ये वाला हाथ सन है, सन के सामने पृथ्वी घूम रही है ना, ना। क्या मैं कह सकता हूँ, जरा मेरा मार्कर ध्यान से देखिएगा, क्या मैं कह सकता हूँ कि ये वाला जो पृथ्वी का हिस्सा है, अभी ये वाला हिस्सा सन के सामने है, जरा मुझे बताओ, क्या मैं कह सकता हूँ कि पृथ्वी का, अर्थ का जो ये वाला पार्ट है, सन के सामने अभी ये है, इस बात को आप मान सकते हैं? ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ कि अर्थ का ये वाला पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट जो दिख रहा है ना आपको, मतलब मैं मार्कर से बना रहा हूँ ये वाला हिस्सा, अगर मैं कह रहा हूँ कि अर्थ का ये वाला हिस्सा सन के सामने है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अर्थ के इस वाले हिस्से पे डे होगा? कह सकता हूँ। और इसी चीज के साथ मैं क्या ये बात कह सकता हूँ कि ये वाला जो अर्थ का हिस्सा होगा, अर्थ का जो ये वाला पार्ट होगा, यहाँ पे नाइट होगी, यहाँ पे नाइट होगी, मान सकते हो? भाई सन की रेस तो यहाँ सामने पड़ रही है ना, यहाँ पे, तो यहाँ पे डे होगा, और जो पीछे वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, यहाँ पे नाइट होगी, यहाँ पे रात होगी। अच्छा, मैं कहता हूँ कि ये वाला जो हिस्सा है, इसको मैंने, इसका नामकरण करता हूँ, इस वाले हिस्से का नाम है वन, इस वाले हिस्से का नाम है टू। अब मुझे बताओ, इस फिगर को देख के डे कौन से हिस्से में है, वन वाले में है, टू वाले में है? इस फिगर को देख के बताओ कि डे वन वाले फिगर में है, टू वाले में है? वन वाले में है, ठीक है। इसी फिगर को देख के बताओ, इसी फिगर को देख के बताओ, नाइट कौन से वाले हिस्से में है, टू वाले में है, वन वाले में है? रात कौन से वाले में है, वन वाले में है, टू वाले में है? टू वाले में है, मान सकते हो? लेकिन क्या कभी ऐसा होगा कि जब आपकी पृथ्वी रोटेट कर रही है वैसे ईस्ट, तो कभी ऐसा होगा कि ये टू वाला हिस्सा यहां पहुंचेगा, ये वन वाला हिस्सा यहां पहुंचेगा? क्या कभी ऐसा होगा, ये टू वाला हिस्सा यहां पहुंचेगा, वन वाला हिस्सा यहां होगा? तो मैं कह सकता हूं उसके बाद वन में नाइट हो जाएगी और टू वाले पार्ट में डे हो जाएगा, हाँ या ना? तो कुल मिला के जब पृथ्वी घूम रही है, जब पृथ्वी घूम रही है, तभी तो मुझे डे और नाइट देखने को मिल रहा है, जब पृथ्वी घूम रही है तभी तो मुझे डे और नाइट देखने को मिल रहा है, हाँ या ना? जब अर्थ घूम रही है, उसी की वजह से तो मुझे डे और नाइट देखने को मिल रहा है। अब मुझे बताओ, अगर पृथ्वी घूमेगी नहीं, अगर पृथ्वी रोटेट नहीं करेगी, अगर पृथ्वी घूमेगी नहीं, क्या मुझे डे और नाइट देखने को मिलेगा? सोच के देखो, अगर पृथ्वी घूमेगी ही नहीं, क्या मुझे डे और नाइट देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब यहां से एक कंसेप्ट फिजिकल ज्योग्राफी का बाहर निकालो, कि जो आपका ये डे हो रहा है, जो आपकी नाइट हो रही है, जो आपकी दिन हो रहा है, जो आपकी रात निकल रही है, इसके पीछे एक सिंपल सा कारण है, रोटेशन, अर्थ का घूमना अपनी एक्सिस के ऊपर। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लो कि जो आपका दिन निकल रहा है, जो आपकी रात हो रही है, दिन का निकलना और रात का होना, इन दोनों के पीछे रोटेशन है, रीजन, रोटेशन के कारण दिन और रात है। इज दैट क्लियर? रोटेशन के कारण दिन और रात है। इस बात को क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मैंने पूरी कहानी की तरह आपको समझा दिया। आई होप इस एग्जांपल से हर एक बच्चे को समझ में आया होगा। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि जो दिन और रात निकल रही है, जो डे और नाइट हो रहा है, जो डे और नाइट हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, जल्दी से बताएं, रोटेशन या रेवोल्यूशन? रेवोल्यूशन या रोटेशन? रेवोल्यूशन या रोटेशन? जल्दी से आंसर दो, रोटेशन। सर क्यों बता रहे हो? बिकॉज पेपर वाला हमें यहाँ भी घुमा लेता है, ठीक है, क्वेश्चन वाला कैसे बना सकता है हमें नहीं पता, रोटेशन का। अब यहाँ पर मैं एक चीज और बता दूं, जो अर्थ है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं अर्थ मूवमेंट की, जरा यहाँ पे ध्यान दो, अर्थ मूवमेंट की, अगर हम लोग यहाँ पे अर्थ के मूवमेंट की बात करें, प्लीज यहाँ पे ध्यान देना, अगर हम लोग यहाँ पे अर्थ के मूवमेंट की बात करें, सभी लर्नर्स यहाँ पे ध्यान दो, अगर हम लोग, मैं वही बता रहा हूँ राठौर, वही बता रहा हूँ, ठीक है, मैं वही आपको बता रहा हूँ, कृपया करके यहाँ पे फोकस कीजिए, मैं एक एक चीज आपको बताऊंगा, आप टेंशन मत लो। अगर मैं अर्थ के मूवमेंट की बात करूँ, तो सबसे पहली बात, अर्थ के मूवमेंट का मतलब क्या होता है? अर्थ मूवमेंट जो शब्द आपके सामने मैंने बोर्ड पे लिखा, इसका मतलब क्या होता है? अर्थ मूवमेंट का मतलब होता है अर्थ का चलना। अगर मैं बोलूँ विशाल मूवमेंट, अगर मैं बोलूँ विशाल मूवमेंट, विशाल मूवमेंट का मतलब क्या है? कि विशाल चल रहा है, विशाल के चलने का तरीका। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया अर्थ मूवमेंट, मतलब अर्थ, पृथ्वी के चलने का तरीका। तो पृथ्वी दो प्रकार से मूव होती है, नंबर एक और नंबर दो। नंबर एक है साफ रोटेशन, साफ नंबर दो चीज है रेवोल्यूशन, नंबर एक है रोटेशन, नंबर दो है रेवोल्यूशन। पृथ्वी दो तरीके से घूमती है, पृथ्वी दो तरीके से मूव करती है, पृथ्वी दो तरीके से चलती है, एक रोटेशन एक रेवोल्यूशन। सर दोनों का मतलब क्या होता है? अब आप मान लो पृथ्वी आपकी, पृथ्वी अपने एक्सिस पर गोल गोल घूम रही है, पृथ्वी का जब पृथ्वी गोल गोल घूमती है ऐसे, मान लो ये मार्कर जो है अर्थ है, इमेजिन करो कि ये मार्कर अर्थ है, ठीक है, और ये अर्थ ऐसे गोल गोल घूम रही है, अपनी ही प्लेस पे खड़ी खड़ी गोल गोल घूम रही है।
अपनी ही प्लेस पे गोल गोल घूम रही है, ठीक है, इसे बोलते हैं रोटेशन, इसे बोलते हैं रोटेशन। जब अर्थ अपनी ही एक्सिस पे घूमे गोल गोल, उसे आप बोलते हो रोटेशन, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने अपनी इस उंगली पर एक बॉल टिका दी, एक बॉल ली, एक बॉल को मैंने अपनी उंगली पर टिका, बॉल को ऐसे से घुमा रहा हूं, उसे आप बोलते हो रोटेशन, ठीक है। नाउ रेवोल्यूशन क्या है? ये हो गया आपका सन, ये हो गया आपका सन। जब अर्थ सन के चारों ओर चक्कर मारे, जब अर्थ सन के चारों ओर चक्कर मारे, जब अर्थ, मैंने उल्टा बोल दिया, आई एम रियली सॉरी, जब अर्थ सन के ओर चक्कर मार रही है, जब पृथ्वी सन के ओर घूम रही है, जब अर्थ सन के चारों ओर घूम रही है, इसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात। अभी ये अर्थ है, ये अर्थ ऐसे गोल गोल घूम रही है, खुद से घूम रही है, जहां पे अर्थ है वहीं की वहीं गोल गोल घूम रही है, इसे बोलोगे रोटेशन। लेकिन अगर ये अर्थ, ये खुद भी गोल गोल घूमती रहती है, ये खुद तो गोल गोल घूम ही रही है, प्लस ये सन के चारों ओर भी घूम रही है, तो जब अर्थ सन के चारों ओर घूमती है, जब अर्थ सन के चारों ओर घूम रही है, इसको आप बोलते हो रेवोल्यूशन। जब अर्थ खुद गोल गोल घूम रही है, इसको आप बोलते हो रोटेशन। और रोटेशन के कारण ही आपको देखने को मिलता है डे और नाइट, दिन और रात। पहले मुझे बताओ यहां तक समझ में आया क्या गाइस? क्या यहां तक सभी को समझ में आ गया? इज दैट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? क्या यहां तक आप सभी को समझ में आ गया? क्लियर है सभी को? अच्छा गाइस, मैं क्लास में आगे बढ़ने से पहले एक बात यहाँ पे अनाउंस करना चाहूंगा, ठीक है, बिकॉज हर इंसान की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, इनफैक्ट आप भी हैं, आपकी भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और समय लगेगा, अगर बच्चे को बेसिक नहीं पता तो मैं आराम से बताऊंगा, मैं रिपीट करता हूँ, मेरी आदत है, जिसको एक बार में जल्दी समझ में आ जाता है तो वैसे टीचर के पास जाके पढ़ सकता है जो बहुत स्पीड में पढ़ा है। लेकिन मेरी क्लास उन बच्चों के लिए पहले है जिनका बेसिक बहुत कमजोर है, मेरी क्लास उनके लिए पहले है, और जो बहुत इंटेलिजेंट है, कोई इशू नहीं गाइस, आपको अच्छा लगता है ठीक है, वरना आप उन टीचर जाके पढ़ सकते हैं जिनका आप जो फटाफट 1 घंटे में आपको बहुत चीजें पढ़ा दें। यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ बेसिक से चलेगा बिल्कुल हाई तक, बिकॉज मेरे लिए हर बच्चा बराबर है, चाहे वो बेसिक हो, चाहे बच्चा पढ़ने में वीक हो, चाहे वो इंटेलिजेंट हो, दैट्स ऑल। आइए अब हम आगे चलते हैं, यहाँ तक क्लियर गाइस? क्लियर यहाँ तक सभी को पहले बताइए, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी सभी को। ओके ना, अब हम लोग यहाँ तक कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक हम लोगों ने बात कर रहे हैं, नहीं नहीं कोई इशू नहीं है, ध्यान देना, आगे बढ़ते हैं। ओके ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे हम आगे चलते हैं, ध्यान देना जरा, अर्थ मोमेंट की बात हम लोग करते हैं। हाँ मैं वही कर रहा हूँ तनवीर, वही कर रहा हूँ, ठीक है। पहले बताइएगा यहाँ तक जो मैंने आपको एक चीज बताई, व्हाट एवर आई टेल यू, कि रोटेशन क्या होता है, रेवोल्यूशन क्या होता है, ये क्लियर है, ठीक है। चलिए ओके, तो आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, नाउ वी शुड कंटिन्यू। अब क्या है कि थोड़ा सा हमें आगे बढ़ना है। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से एक चीज बोलूँ कि डे और नाइट होने का कारण, अगर मैं आप लोगों से एक बात बोलूँ कि दिन और रात होने का कारण रोटेशन है, क्या आप इस स्टेटमेंट को सही मानोगे? हाँ या ना? यस। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूड हमने काफी हद तक पढ़ लिया, अब हम थोड़ा सा जरा लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ से चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं ये आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा कि आप सबके पास कॉपी पेन होगा, मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी के पास कॉपी पेन होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना यहाँ पे। ओके जस्ट इमेजिन गाइस कि मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एक अर्थ आपके सामने बना दी, कृपया करके यहाँ ध्यान देना। अरे कृति उपाध्याय, अभी तो मैंने सिर्फ एक डे नाइट की बात आपको बोली है, अभी आप पूरा टॉपिक समझोगे, आपको ये भी समझ में आएगा 6 मिनट तक दिन भी निकलता है नॉर्थ पोल पे, आराम से बैठो, है ना, सब हो जाएगा। चलिए आइए देखिए, हाँ सारी कहानी हो जाएगी, आराम से बैठिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमने लिया सन, ये हो गया सन आपका, ठीक है जी, हाँ जी सर, थोड़ा सन जो है ऊपर बन गया, इसे थोड़ा सा नीचे बनाते हैं, कोई बात नहीं, मिस नेहा आपका कनेक्ट हो गया, हमारे भाग खुल गया, बहुत अच्छी बात है, आप क्लास में आ गई। चलिए यहाँ पे हो गया सन, हो गया, ध्यान देखिए। अरे नहीं नहीं हमें ये मत बोलो सर, आप बहुत अच्छे हो यार, मैं सच बताऊँ, मैं 5 साल से टीचिंग लाइन में हूँ, आप कितना भी कर लो ना यार, मतलब कोई ना कोई डेंट मार जाता है, मैंने चीज़ पर्सनली देखी, ठीक है। यहाँ पे हम बच्चों के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री का कोर्स फ्री में प्लान करेंगे, बच्चों को फ्री में हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा दें, वहाँ पे बच्चों को क्या नाम दे रहे हैं कि टीचर अपना वॉचमैन बनाने के लिए ऐसा कर रहा है, आप मेरी प्लेस पे होते आपको कैसा लगता है, एक बार सोच के देखना, मुझे कोई अकेडमी लगता था थोड़ी दे रहा है उसके लिए यार। लेकिन सीरियसली मैं इस जमाने को देख चुका हूँ, मतलब कितना भी आप कर लो कुछ फायदा नहीं है, कोई ना कोई आपकी पर्सनल डिपेंडेंट लगाई जाएगा, लोगों ने खैर किसी को भी नहीं छोड़ा, मेरी क्या बात है यार, हम कौन से दी रहे हैं यार। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हो गया हमारा, थोड़ा सा क्या ये फिगर देख पा रहे हो सभी, जस्ट इमेजिन। चलिए आगे चलते हैं, ये फिगर आपको देख रही है। अच्छा गाइस अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, सबसे पहली चीज क्या है, इस फिगर को हम कंटिन्यू करने से पहले, कंटिन्यू करने से पहले इस फिगर के बारे में आपको चीज बताता हूँ गाइस, ठीक है, कंटिन्यू करने से पहले एक फिगर मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये मैंने एक फिगर आपके सामने बना दिया जी सर, ठीक है। अब क्या है, पहले आप दो चीज देखो ताकि आपको बहुत ही बेसिक से क्लियरिटी हो जाए कि हाँ यार सर क्या कहना चाह रहे हैं ना। अब आप लोग एक चीज देखना, और जब मैं आपसे पूछूंगा ना तब आप मुझे बताना कि हाँ ये बात सही थी या गलत थी, क्योंकि ये फिगर समझाने से पहले, ये जो पूरा डायग्राम आपके सामने मैंने भी बनाया ना, इसको स्टार्ट करने से पहले आई वॉन्ट कि मैं आपको बिल्कुल ही जीरो पे ले जाऊं, पहले आओ
जरा इस चीज को ध्यान से देखो। एक फिगर आपके सामने ये हो गया, जरा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। एक फिगर आपके सामने ये हो गया, जरा मैं आपके सामने बना ही देता हूँ पहले। अरे यार मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम आज तक क्यों तुम्हारी जीएस वीक है पता क्यों? क्योंकि तुम्हें चीजें मैं बता रहा हूँ फटाफट जल्दबाजी में पढ़ते हो तुम लोग, ठीक है, बेसिक्स तुम अपने क्लियर करते नहीं हो और फिर तुम गुणगान करते हो आगे कि सर ये हो गया वो हो गया। स्कूल में जीएस कैसे पढ़ी तुम लोगों ने कभी याद करना? मैं खुद रट रट के पास हुआ स्कूल में हिस्ट्री ज्योग्राफी में, तुम्हें किसी और का क्या बोलूँ? ठीक है चलो खैर आ जाओ। एक हो गया ए, एक हो गया बी। आपके सामने मैंने दो फिगर बना दी अर्थ की, आपके सामने मैंने अर्थ की दो फिगर बना दी। अब आप मुझे बताइए कि इनमें से अर्थ की कौन सी फिगर आप लोग देखते हैं, कौन सी देखते हैं? बी वाली देखते हो या ए वाली देखते हो? ऑब्वियसली बात है बी वाली देखते हो ना, मानते हो? कभी स्कूल में देखा है ग्लोब रखा रहता है, टीचर से घुमाते रहता है, किसी काम का नहीं होता, शो ऑफ के लिए कई बार रखा रहता है वो प्रिंसिपल के ऑफिस में, खासकर इसी तरह का होता है वो इसी तरह का होता है वो, देखा होगा प्रिंसिपल के ऑफिस में सजा के रख देंगे, उसका काम नहीं होता कुछ। कई बार तो मैं स्कूल से आप क्या कहेंगे, मैं आपको क्या ही बताऊं, जब मैं कभी ऑफलाइन में पढ़ाता था ना, यू कांट बिलीव कि जब मैं कभी ऑफलाइन में पढ़ाता था तो हमारे ऑफिस में ऐसा ग्लोब रखा हुआ था। तो मैंने कहा इसे क्यों रखा हुआ है यहाँ, कलेक्टर का ऑफिस है क्या ये? कि नहीं सर ऑफिस में रखना चाहिए, मैंने कहीं लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि नहीं सर। तो जब मेरी ज्योग्राफी क्लास होती थी ना, मैं रिसेप्शन से उस ग्लोब को मैं लेके पढ़ाता था उससे बच्चों को, मैंने यहाँ यहाँ दे दो सर, इसे मैं समझ लेता हूँ, मैं पढ़ा दूंगा इससे बच्चों को, चलो मेरा काम आसान हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे अगर आप लोग देख पा रहे हैं, हाँ भाई, अब इन दोनों फिगर में अंतर क्या है? इन दोनों फिगर में अंतर ये है कि गाइज ये वाली अर्थ जो आप देख रहे हो ये थोड़ी सी आपको टेढ़ी दिख रही होगी, टेढ़ी को मैं यहाँ पे कहता हूँ टिल्ट, दिख रही है इंग्लिश में बोलते हैं टिल्ट, थोड़ी सी खिसकी भी, थोड़ी सी टेढ़ी दिख रही होगी वाली अर्थ, है ना? पहली बात तो ये, सर टेढ़ी क्यों है? सर टेढ़ी क्यों है? टेढ़ी इसलिए है बिकॉज कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड, एक बहुत बड़ा कभी एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी पर आके टकरा गया था और तब से हमारी पृथ्वी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, झुक गई, मानते हो? ऐसा कहा जाता है ज्योग्राफिस्ट के द्वारा कि एक बार कोई बहुत बड़ा एस्टेरॉयड आके आपकी पृथ्वी पर टकराया और तब से आपकी पृथ्वी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, थोड़ी सी झुक गई, समझे बात? हाँ, तो कोई मान लो बहुत बड़ा कुछ पत्थर जैसा इस पर आके टकराया होगा और तब से आपकी पृथ्वी टेढ़ी हो गई थोड़ी सी, और तभी पृथ्वी आपकी ऐसे ऐसे घूमती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, समझ में आता है? हर्ष कुमार इसमें कंफ्यूज होने वाली क्या बात है, एक मुझे बताओ, ये आपकी अर्थ है, इस पर आके कोई बहुत बड़ा एस्टेरॉयड आके टकरा गया, ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, ठीक है, ये तो बोला मैंने, इसमें कंफ्यूज होने वाली क्या बात है गाइस, समझ रहे मेरी बात? इज दैट क्लियर? आपकी वो सब पढ़ेंगे एंगल वगैरह, बस अभी पहले बेसिक से समझो कि आपकी अर्थ है, अभी ये मान लो ऐसे गोल गोल घूम रही है, ऐसे गोल गोल घूम रही है, एकदम से बाहर से कोई बहुत बड़ा एस्टेरॉयड आके इस पर टकराया और ये थोड़ी सी ऐसी टेढ़ी हो गई, फिर ऐसे टेढ़े में घूमने लगी, इस बात को समझ पाए आप लोग? ठीक है, ठीक है, तो तब से थोड़ी सी अर्थ आपकी टेढ़ी हो गई। तो अब जरा आप यहाँ पे देखो ये कितनी टेढ़ी है, कितनी झुकी हुई है, वो सब मैं आपको बताऊंगा, उसके आप घबरा बिल्कुल टेंशन मत लो, पर पहले बताओ ये बात समझ में आई आप सभी के? चलिए अब ये बात मैंने आपको क्यों बताई, ताकि ये फिगर आपको बेटर समझ में आए। जरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या चीज है, हाँ कृपया अभी यहाँ पे देखो, अभी अभी बातें करने का समय नहीं है, अभी यहाँ पे सीखने का समय है, ठीक है जी? अब मैंने क्या किया यहाँ पे, कैसे लाइन खींच दी ताकि आपको समझ में आए कि हाँ ये अर्थ आपको टेढ़ी क्यों दिख रही है, ये सिर्फ मैंने अभी आपको इसलिए समझाया, ठीक है? और ये देखो अब यहाँ पे आपके सामने चार अर्थ है, प्लीज अभी यहाँ पे देखो, अभी समझो, मैं आपको ये भी बताऊंगा टेल्ड कितना हुआ है यार, अभी तो शुरू हुआ है बैच, 3 महीने तक सफर आपका मेरे साथ है, ठीक है? उसके बाद जो है आपका बोलना कि आपको ज्योग्राफी में क्या नहीं आता है, ठीक है? आराम से बैठो, चलिए, वॉइस नहीं आ रही है, आई एम ऑडिबल, ठीक है, चलिए ठीक है आगे चलिए। अब यहाँ पे आप लोग जरा देखिए इस चीज को समझिए, अब हमेशा एक बात है ना, क्या मैं कह सकता हूँ ये पृथ्वी का नॉर्थ वाला पार्ट है, उत्तर वाला पार्ट, ये साउथ वाला पार्ट है, ये नॉर्थ ये साउथ, ये नॉर्थ ये साउथ, मैं कहता हूं कि ये नॉर्थ ये साउथ, ये नॉर्थ और ये साउथ, मान सकते हो? जरा ध्यान से देखिए, इस बात को इमेजिन कर सकते हो आप सभी? चलिए हम एक बहुत ही बेसिक से एग्जांपल से इस चीज को पढ़ने की शुरुआत करते हैं, एक बहुत ही बेसिक से एग्जांपल से हम इस चीज को पढ़ने की शुरुआत करते हैं, देखिए क्या है वो। सबसे पहली बात हम एक काम करते हैं, जैसे अभी हमारा मार्च चल रहा है, ठीक है गाइस, क्या इस बात को आप मान सकते हो कि जैसे कि आप, चलो एक काम करो, यहाँ पे आप 3 लाइन और बनाओ पहले, इसे और ज्यादा हम बेसिक बना लेते हैं। एक लाइन मैंने ऐसे खींच दी यहाँ पे, 2 लाइन, सब इमेजरी लाइन है मेरे भाई, ये अर्थ के बीच में कभी ऐसा डंडा खींचा हुआ देखा क्या तुमने? कभी ऐसा डंडा खींचा हुआ देखा क्या तुमने अर्थ में? ओके, ये सब इमेजिनरी है मेरे भाई, यार थोड़ा सा मतलब पता है क्या है भाई? देखो यही रीजन है कि मुझे समय लगता है, पता है यही कारण है आपके साथ। अब आप प्रैक्टिकली सोचो, आपने आप अर्थ पे रह रहे हो, कभी आपने ऐसा कोई लकड़ी का या लोहे का डंडा अर्थ के बीच में देखा क्या? ये सब इमेजिनरी लाइन है, इनका क्या काम होता है ये भी आप समझ जाओगे समय के साथ साथ, ठीक है? देखो एकदम से आप ज्योग्राफिस्ट नहीं बन जाओगे, इट विल टेक सम टाइम। चलिए यहाँ देखो, अब यहाँ पे मैं क्या बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ, यहाँ पे देखिए आराम से, अभी आप आराम से पूरी कहानी सुनते रहो, उसके बाद टॉपिक आपका सब कवर हो जाएगा। जरा मुझे बताओ कि मैंने चार आपके सामने पृथ्वी बना दी, और क्या हर एक पृथ्वी मैंने तीन तीन लाइनें बनाई है क्या? 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, मान सकते हो? अब आपको याद होगा जब आज हमने क्लास स्टार्ट करी थी तो हमने ये तय किया था कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं,
लैटिट्यूड्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है? इज दैट क्लियर? हाँ, मुझे कोई इशू नहीं, आप पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सभी को पता है कि जो हमारी लेटी भी लाइंस होती हैं, हमने स्टार्टिंग में याद करो क्या जाना था कि जो लेटी भी लाइंस होती हैं या जो वेस्ट से ईस्ट की ओर जो लाइनें हैं उनको हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं। तो क्या मुझे बताओ, इन चारों फिगर में आपको तीन तीन लैटिट्यूड्स देखने को मिल रहे हैं? क्या इन चारों फिगर में आपको तीन तीन लैटिट्यूड्स देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल देखने को मिल रहे हैं। आप सुनो मेरी बात गाइस, क्या मैं कह सकता हूं कि सूरज की जो मतलब अगर हम इंडिया की बात करें तो जून के महीने में भयंकर गर्मी पड़ती है, मान सकते हो? क्या मैं कह सकता हूं कि जून के महीने में बिल्कुल भयंकर गर्मी पड़ती है इंडिया में, और जून के महीने को हम कंसिडर करते हैं समर, मतलब गर्मी का सीजन, मान सकते हो? चलो आप इमेजिन करो कि आपका जो है ये हो गया जून, यहां पे लिख दिया मैंने सितंबर, यहां पे जो है मैंने लिख दिया आपके सामने जी दिसंबर, और जी मैंने यहां पे आपके सामने लिख दिया मार्च। अब जरा यहां पे ध्यान से देखना, सन तो अपनी प्लेस पे रहेगा, यहां पे सीखने वाली बात क्या है, सन तो जहां है, ठीक है, सन तो जो है, ठीक है सर, फिर ये लाइन तो साइंटिस्ट सीधा भी बना सकते थे लाइन से ही, अरे वहां से झुकी हुई अभी समझ में आएगा मेरे भाई तेरे को जाकिर खान, क्लास में कितनी देर हुई भी। अरे यार एक सेकंड रुको, इसको जरा समझाता हूँ मैं। यहाँ देख, अगर तू ऐसे बीच से यहाँ पे एक लाइन खींचेगा ना, यहाँ देख, जैसे यहाँ पे देख, रुक जैसे दिक्कत हो जाएगी अगर नहीं बताऊंगा तो, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ देखो जरा ये ना। अब अगर तू मान ले कि तेरी अर्थ टेढ़ी हुई तो यहीं से तू एंगल को नापेगा ना कि तेरी अर्थ कितने टिल्ट हुई है। थोड़ा सब्र रख मेरे भाई, थोड़ा सब्र रख, सारी कहानी खुल जाएगी, थोड़ा सा वेट कर, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, हाँ थोड़ा सा वेट कर, बस मैं इतना कह रहा हूँ, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा वेट कर, है ना? अभी सब क्लियर हो जाएगा, अभी हम शुरू की तीन चार क्लासेस बेसिक सी चलते हैं सब, उसके बाद आपको सब क्लियर होने लगेगा धीरे धीरे, है ना? थोड़ा पेशेंस रखो बस। चलिए अब यहाँ पे देखो, जून हो गया, ये आपका सेप्टेम्बर हो गया, ये आपका दिसंबर हो गया, ये आपका मार्च का महीना हो गया, बिल्कुल सर। यहाँ पर सीखने वाली बात क्या है लर्नर्स, कि अर्थ आपकी ऐसे घूम रही है, यहाँ डायरेक्शंस को जरा ध्यान से देख लेना, ठीक है? और अगर आप इन डायरेक्शंस को देख पा रहे हो तो इन डायरेक्शन को देख के आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि अर्थ सन के चारों ओर घूम रही है, मतलब आपके सामने जो चीज आपको दिख रही है इट्स एन एग्जांपल ऑफ रेवोल्यूशन, आपके सामने पूरा रेवोल्यूशन आपको दिख रहा है। अब ये मत बोलना सर रेवोल्यूशन क्या होता है, मैं बता चुका हूँ, जब अर्थ सन के चारों ओर घूमती है उसी को हम रेवोल्यूशन बोलते हैं, और आपके सामने ये रेवोल्यूशन होता है आपको दिख रहा है, अर्थ जो है सन के चारों ओर घूम रही है। अब मैंने आपसे बोला कि जून का महीना है, यहां से हम शुरुआत करते हैं, ठीक है? ध्यान देना, अब हमें सीजन के बारे में जानना है, और सीजन का सीधा सीधा रिश्ता लैटिट्यूड से मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अब आप इमेजिन करो कि जो सन है आपका, सन से जो है सनराइज निकल रही है, ठीक है? सन से जो है सनराइज निकल रही है, ठीक है? अब आप यहां पे ध्यान से देखें, अगर आप लोग यहां पे देखें इस चीज को भी समझो कि जो सबसे ऊपर आपको लाइन दिख रही है, ये जो सबसे ऊपर वाली लाइन दिख रही है इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये बीच वाली जो लाइन आपको दिख रही है इसको हम बोलते हैं इक्वेटर, और नीचे वाली जो लाइन आपको दिख रही है इसको हम बोलते हैं कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जो सबसे ऊपर वाली लाइन है इसे हम बोलते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बीच वाली जो लाइन है इसे हम बोलते हैं इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, और जो सबसे नीचे वाली लाइन है इसको हम बोलते हैं मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यही लॉजिक हर एक अर्थ पे आप लोग लगा लेना, इन तीनों लाइन का मतलब यहां भी वही है, यहां भी वही है, यहां भी वही है, क्लियर? अलग से लिखने की नीड नहीं है। नाउ अगर आप ये वाला फिगर देखें, जून वाला फिगर देखो जरा, जरा इस जून वाले फिगर को आप लोग ध्यान से देखें, अगर आप लोग जून वाला फिगर देख पा रहे हो, क्या आप इस बात को मान सकते हो कि जून वाले फिगर में सन की जो रेज है, सूरज की जो किरणें हैं वो कैंसर पे ज्यादा पड़ रही है? यहाँ पे चेक करो, जून वाले फिगर में चेक करो, क्या आप कह सकते हो कि सन की रेज कैंसर पे ज्यादा पड़ रही है इन कंपैरिजन टू इक्वेटर और कैप्रिकॉन? इक्वेटर और कैप्रिकॉन की तुलना में कैंसर पे जो है ज्यादा गर्मी पड़ रही है, सूर्य की किरणें कैंसर पे आपको ज्यादा देखने को मिल रही है, मिल रही है। अच्छा अब मैं आप लोगों से एक बात और यहां पे शेयर करना चाहूंगा, इस मैप को कंटिन्यू करने से पहले, इस मैप को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं एक चीज और शेयर करना चाहूंगा। जस्ट इमेजिन कि मैंने आपके सामने अर्थ बना दी, यहाँ पे देखो ये मैंने आपके सामने अर्थ बना दी जी, और मैंने अर्थ को ये दो हिस्से में डिवाइड कर दिया, अर्थ के मैंने दो हिस्से कर दिए। नाउ अर्थ का ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे मैं बोलूंगा उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर, प्लीज यहाँ पे ध्यान दो, नॉर्थ हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध, ये जो नीचे वाला पार्ट है इसे बोलूंगा दक्षिणी गोलार्ध यानी कि साउथ हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर भी आप बोल सकते हो, सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है? अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, पृथ्वी का जो ऊपर वाला भाग है नॉर्थ हेमिस्फीयर, नीचे वाला भाग साउथ हेमिस्फीयर। अगर आप लोगों ने वर्ल्ड का मैप देखा हो तो आप सभी को इतनी बात पता होगी कि जो इंडिया है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में आता है, इंडिया जो है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में आता है, अगर आपने वर्ल्ड का मैप देखा हो। ये चीज मुझे अब दिखाने की नीड नहीं है, मैंने पहले दिन ही आपको पूरा वर्ल्ड का मैप पढ़ाया था, ठीक है? अब मुझे बताओ इंडिया नॉर्थ हेमिस्फीयर में आता है, हाँ या ना, जल्दी से मुझे बताओ, ठीक है? और नॉर्थ हेमिस्फीयर में ही आपको एक रेखा गुजरती हुई नजर आएगी, ध्यान से देखिएगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर में ही आपको एक रेखा गुजरती हुई नजर आएगी, ठीक है, जिसको आप बोलते हो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है? उसके बाद ये वाली रेखा होगी, इसको हमने बोल दिया इक्वेटर, और दक्षिण हेमिस्फीयर में, साउथ हेमिस्फीयर में एक रेखा आपको गुजरती हुई आएगी, इसको आप बोलते हो कैप्रिकॉन। अब आप इसी फिगर को जरा यहां पे देख लो, क्या मैं इस बात को कह सकता हूं कि जो कैंसर आपको दिख रही है क्या ये इंडिया से भी गुजर रही है? क्या कैंसर इंडिया से भी गुजर रही है? जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रेखा ये इंडिया से गुजर रही है, जरा यहां पे देखो मैप में। दूसरी बात, क्या ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो रेखा है
क्या ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से भी गुजर रही है? मतलब मुझे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये मुझे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से भी गुजरती नजर आ रही है। जी सर। अब आप जरा इस फिगर पर वापस आ जाओ। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखना, जितनी बातें बोलूंगा उस पर ध्यान दो, कमेंट्स को रोक लो। आप सभी को पता है ये इक्वेटर जो है, यहाँ पे देखिए इक्वेटर एक ऐसी रेखा है, ये मेरा मार्कर देखना व्हाइट वाला, इक्वेटर एक ऐसी रेखा है जो पृथ्वी को दो इक्वल हिस्से में तोड़ देता है। मतलब इक्वेटर एक ऐसी लाइन है, एक ऐसी रेखा है जो पृथ्वी को दो इक्वल हिस्से में डिवाइड करता है, ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ हेमिस्फीयर, नीचे वाला हिस्सा साउथ हेमिस्फीयर। जी सर। अब आप जरा यहाँ पे देखें इस फिगर को, ये आपका इक्वेटर है, ठीक है, ये ऊपर कैंसर है, और मुझे पता है कि यहीं पे कहीं पे इंडिया पड़ता है। जून के महीने में हमने क्या बात सीखी अभी? हमने बात सीखी कि जून के महीने में सूरज की जो किरणें हैं, हमने बात सीखी कि जून के महीने में सूरज की जो किरणें हैं वो सीधा, ध्यान से देखो, जून के महीने में सूरज की जो किरणें हैं वो सीधा कैंसर वाली रेखा पे पड़ रही है। अगर जून के महीने में, हमें पता है गर्मी बहुत होती है इंडिया में, वी ऑल नो दैट कि जून के महीने में बहुत भीषण गर्मी होती है, क्योंकि सूरज की किरणें सीधा जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रही हैं, इस वाली रेखा पे पड़ रही हैं, और इसी रेखा पे भारत देश भी पड़ता है, तभी भारत में बहुत गर्मी होती है जून के महीने में। अब आप प्रैक्टिकली सोचो कि सन की जो किरणें हैं वो जून के महीने में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रेखा पे पड़ रही हैं, दबा के पड़ रही हैं, बहुत तेजी से पड़ रही हैं, और इसी कैंसर रेखा पे इंडिया पड़ता है, और यही रीजन है कि जून के महीने में इंडिया में बहुत गर्मी रहती है। तो मतलब आप कह सकते हो कि आपको एक बात यहां पे समझनी पड़ेगी कि इन द मंथ ऑफ जून, इन द मंथ ऑफ जून जो जून का महीना है, ये ऐसा महीना है जब सूरज की किरणें सीधा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती हैं। तो जो भी देश ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ेंगे, ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, जो भी देश ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ेंगे, इस रेखा पे जो भी देश पड़ेंगे, जैसे इंडिया पड़ रहा है, तो जून के महीने में उन सभी देशों में होगा समर सीजन। क्या ये बात सभी को समझ में आई, या हजम हुई या नहीं हुई, पहले बताइए, बताइए, क्लियर हुई है बात? अब मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, बहुत ही बेसिक से मैंने बताया, आप सभी के समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब आप लोग जरा यहां पे इस बात को समझो, ठीक है, मैं बता रहा हूं ना भाई तुम्हें, एक बात मैं आज बता दूं, तुम मेरी दबा की बुराइयां करो, मैं कहता हूं मेरी दबा क्या, मैं कहता हूं मेरा क्रिटिसिज्म करो, मैं कहता हूं, ठीक है, लेकिन इतना ध्यान रखना कि ये सब चीजें अगर मैं तुम्हें अभी स्लाइड में दिखा के पढ़ा रहा होता ना भाई, तुम्हें समझ में ना आता। इतनी बार जो मैं रिपीट करता हूं ना, मुझे पता है कहीं को एलर्जी हो जाती होगी, बट भाई अपने आप, सिर्फ अपना अपना मत देखो, तुम्हारे साथ जो और तुम्हारे यहाँ भाई बहन बैठे हैं उनको भी देखो, सबको देख के चलो, वही इंसान होता है। अगर ये चीज मैं इतनी बार रिपीट कर रहा हूं तो ही आपके समझ आएगी, अभी भी कुछ को कंफ्यूजन हो जाएगा सर, बताओ, ठीक है। अब यहां देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सीधा, मतलब यहां पे तीन रेज हैं, एक कैंसर है, एक इक्वेटर कैप्रिकॉन है, इन तीनों रेखाओं में जून के महीने में सूरज की किरणें कैंसर पे सबसे ज्यादा पड़ती हैं, ना इक्वेटर पे ना कैप्रिकॉन पे। तो भैया कैंसर जो रेखा है, इसके आसपास जो भी देश पड़ेंगे उन सब में गर्मी होगी जून के महीने में, और इसी कैंसर पे हमारा देश भारत भी पड़ता है, इसलिए जून के महीने में यहां बहुत तेज गर्मी पड़ती है। इसे आप कह सकते हो कि हाँ भैया जून के महीने में समर सीजन होता है। अब सर ये बात आपने क्यों समझाई? गाइज मैंने आपको 2 दिन से एक बात सिखाई है कि विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड हम टाइम और डेट निकालना सीखते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड हम सीजन निकालना सीखते हैं। और आप देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक लैटिट्यूड है, यहां पे देखो इसी को तो मैंने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला है, इसी रेखा को तो, जो सबसे ऊपर वाली रेखा है, इसी को तो मैंने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? एक लैटिट्यूड है, एक लेटी हुई लाइन है, और इसी लैटिट्यूड पे, इसी लैटिट्यूड की वजह से तो आपको पता चला कि भैया सीजन कैसा है, समर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? एक लैटिट्यूड है, और जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जून के महीने में सन की रेस सीधा पड़ रही है, सूरज की किरणें सबसे ज्यादा पड़ रही हैं, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक लैटिट्यूड है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक ऐसा लैटिट्यूड है जिस पे सूरज की किरणें जून के महीने में सबसे ज्यादा पड़ रही हैं। तो इसका मतलब उस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, उस लैटिट्यूड पे जो भी देश पड़ेंगे उन सब में गर्मी होगी, भीषण गर्मी होगी, मतलब उन सभी देशों में समर सीजन होगा। तो लैटिट्यूड से सीधा लिंक किसका निकल गया? सीजन का। यही तो सिखाना था। अब बताओ समझ में आया? क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक लैटिट्यूड ही तो है। क्लियर हुई ये बात? क्लियर हुई ये बात सभी को, पहले बताओ। अब यहां पे आप लोग देखिए, ये कहानी तो हमें समझ में आ गई, ठीक है, अब ये बात समझ में आ गई, प्रूफ कर दिया मैंने आपके सामने ना। अब आगे चलो, अब जो है, अभी सुनो मेरे भाई, अभी सुनो जरा, अभी देखो सुनो, वही वाली बात है ना कि पहले बोल देंगे फिर वही, मतलब मेरा बोलने का फायदा नहीं हुआ। मैं रिपीट इसलिए भाई, वो मेरी आदत है, मुझसे कोई नहीं छुड़वा सकता, मैं रिपीटेशन इसलिए करता हूं ताकि अगर एक बार में नहीं समझ में आया दोबारा सुन लो, और अगर कोई ऐसा भी बच्चा है ना जिसको अभी भी दिक्कत हो रही है, मैं सलाह दे रहा हूँ प्लीज एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, चाहे आप थोड़ी ज्यादा स्पीड में देख लेना, बट देख लेना आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि मैं इसी को पकड़ के बैठ जाऊँ, मुझे सिलेबस भी पूरा करना है। चलिए नाउ, अब देखो ये पृथ्वी घूम रही है, जून के बाद आप सभी को पता है, जून के बाद आप सभी को पता है जुलाई आएगा, जुलाई के बाद आपका अगस्त आएगा, जून के बाद जुलाई आएगा, जुलाई के बाद अगस्त आएगा, अगस्त के बाद सितंबर आएगा, मानते हो? तो पृथ्वी अभी जून में यहाँ पे है, उसके बाद पृथ्वी आगे घूमती 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 जुलाई यहाँ पे आएगी, फिर अगस्त में आएगी, फिर पृथ्वी घूमते घूमते यहाँ जाएगी सितंबर के महीने में, यहाँ जाएगी, दिख रही है? सितंबर के महीने में यहाँ दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है। अभी इस वाली चीज को आप छोड़ दो, अभी इस वाले पॉइंट को आप छोड़ दो, क्यों छोड़ दो? पहले आप यहाँ पे देखें, ठीक है, यहाँ पे देखो आप, ठीक है। अच्छा सर, यहाँ पे क्या देखें सर? जब आपकी पृथ्वी ऐसे घूम कर, कृपया यहाँ पे ध्यान दें, जब आपकी पृथ्वी ऐसे घूम कर यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है, अब आपकी अर्थ यहाँ पे आ चुकी है,
पहले अर्थ यहां पे थी, यहां देखो पहले अर्थ यहां पे थी, अब घूम के ऐसे, यहां देखो मेरा मार्कर देखो, अब ऐसे घूम के यहां आ चुकी है। अब क्या हो रहा है, सूरज की किरणें यहां देखो जरा, मैं आपके सामने प्रूफ करता हूं। अब आप अगर इस चीज को ध्यान से देख पा रहे हो ना, मैं कह रहा हूं सब चीजें छोड़ दो, मैं बस हाथ जोड़ रहा हूं तुम्हारे आगे, लो हाथ जोड़ रहा हूं, सब चीजें छोड़ दो, सिर्फ यहां मग्न हो जाओ। जरा इस बात को मेरे को बताओ, मैंने यहां पे लिख दिया ए पॉइंट, मैंने यहां पे लिख दिया बी पॉइंट, खुद मुझे बताओ ए और बी में से वो कौन सा पॉइंट है जहां पे सूर्य किरणें ज्यादा पहुंच रही है। बी पॉइंट, बी पॉइंट चेक करो, बी पॉइंट है बिल्कुल सर। अब क्या चीज है यहां, समझो सारा खेल, ये जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट मतलब ये जो रेखा है ये कौन सी आपकी, कैप्रिकॉन है, नीचे कौन सी होती है मकर रेखा, ऊपर ये कौन सी है सर इक्वेटर, सर ये कौन सी ऊपर कैंसर। मतलब मुझे ये समझ में आया कि भैया जून में जब पृथ्वी यहां पे थी तो ज्यादा सूर्य की किरणें कैंसर पे पड़ रही थी। जी सर, तो कैंसर के जितने भी देश थे, जो भी देश ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रहे होंगे, जैसे भारत, यहां सब पे समर सीजन छा गया, यहां गर्मी छा गई, फिर पृथ्वी घूमते 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 दिसंबर में यहां पे आ गई। दिसंबर के मंथ में पृथ्वी आपको यहां देखने को मिलेगी सन के इस तरफ। दिसंबर के महीने में मैं क्या देख रहा हूं कि सूरज की ज्यादा किरणें, दिसंबर के महीने में क्या देख रहा हूं कि सूरज की ज्यादा किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे पड़ रही हैं, सूरज की ज्यादा किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में पड़ रही हैं, सूरज की कम किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रही हैं। अब यहां पर आपको क्या समझना है, यहां पर आपको यह समझना है कि आपको इतनी बात भी समझ में आनी चाहिए, मेरा मार्कर देखना कि ये इक्वेटर है, यहां पे मार्कर देखिए ध्यान से, ये इक्वेटर है, इस इक्वेटर से मार्कर देखते रहो, इस इक्वेटर से ऊपर वाला इलाका कहलाता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और इस इक्वेटर से इसी लाइन से नीचे वाला इलाका कहता है सदर्न हेमिस्फेयर। ये हमने सीख लिया सर। मतलब ये कि जून के महीने में, जून के महीने में सूरज की जो किरणें हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ज्यादा पड़ती हैं, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ही तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। चेक करो, इस इक्वेटर के ऊपर वाला पूरा इलाका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, इस इक्वेटर के ऊपर पूरा इलाका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, इसी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में तो कैंसर है। तो मतलब जून के महीने में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सूर्य की किरणें पड़ती हैं, लेकिन दिसंबर के महीने में क्या हो रहा है, आप यहां देखो, ये आपका इक्वेटर है, इसके नीचे वाला पूरा इलाका आपका सदर्न हेमिस्फेयर कहलाएगा, ठीक है, और इसी सदर्न हेमिस्फेयर में आपको कैप्रिकॉन देखने को मिल रही है, मकर रेखा देखने को मिल रही है। तो दिसंबर के महीने में सूरज की किरणें ज्यादा पड़ रही हैं सदर्न हेमिस्फेयर में, और सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर कौन सी रेखा आती है, कैप्रिकॉन। तो आप इस फैक्ट को याद में रखना कि इन द मंथ ऑफ जून सूरज की ज्यादा किरणें नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पड़ रही हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर ही कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वहां पे ज्यादा गर्मी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। दिसंबर के महीने में सूरज की किरणें ज्यादा पड़ रही हैं सदर्न हेमिस्फेयर में, और सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन रेखा है, ये देखो ये रेखा सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर ही आपको दिख रही होगी। तो मतलब दिसंबर के महीने में सदर्न हेमिस्फेयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के आसपास आपको ज्यादा गर्मी देखने को मिलेगी, यहां पे आपको समर देखने को मिलेगा। सर अगर दिसंबर के महीने में, अब समर यहां पे है, मतलब जो भी देश ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के आसपास पड़ते होंगे, दिसंबर के महीने में यहां पे आपको गर्मी देखने को मिलेगी, और दिसंबर के महीने में हमारा भारत तो कैंसर पे पड़ता है, दिसंबर के महीने में जो भी देश आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में होंगे, आप कह सकते हो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो देश खास करेंगे, यहां पे आपको विंटर देखने को मिलेगा। समझ में आया या नहीं, अब बताइए समझ में आया या नहीं, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। बहुत ही चीजें मैंने रिपीट रिपीट के आपको बताई, उम्मीद करता हूं ये सब आपको समझ आया होगा, ठीक है, ठीक है। अब यहां पे हम लोग बात करते हैं, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। देखो अब तुम लोग यार नोट्स नोट्स करते रहते हो यार, नोट्स भाई मुझे, मैं नोट्स नोट्स पे बिलीव नहीं करता हूं, मैं सीधा सिखाने पे बिलीव करता हूं, जहां पे नोट्स की नीड होगी आई विल गिव यू। कहां समय है नोट्स दिखाने का, पहले ये पूरी कहानी जरा है जो है समझाई जाए, देखो बोर्ड की हालत देखो, पहले ये पूरा जो है समझाया जाए, तब जो है नोट्स का डिस्कशन करेंगे ना। अब आपको इतना समझ में आ चुका है, यहां से आप दो फैक्ट निकाल लो सर, दो फैक्ट क्या निकाल लो कि जून के महीने में आपको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, जून के महीने में आप देखो ये आपकी रेखा जो है ये इक्वेटर है, यहां देख लो ये इक्वेटर है, इसके ऊपर वाला पूरा इलाका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, जून के महीने में यहां पर आपको गर्मी देखने को मिलेगी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और वहीं दिसंबर के महीने में ज्यादा गर्मी आपको सदर्न हेमिस्फेयर में देखने को मिलेगी, इक्वेटर के नीचे वाला जो पूरा एरिया है। अब आप यहां से क्या कंसेप्ट निकाले कि जून के महीने में सूर्य की किरणें सीधा कहां पड़ती हैं सर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में पड़ती हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस हेमिस्फेयर का पार्ट है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का पार्ट है सर। यहां पे हमें सर सीजन कौन सा देखने को मिलेगा सर, समर देखने को मिलेगा सर। वहीं दिसंबर की अगर बात करें तो दिसंबर में सूर्य की किरणें सीधा कहां पड़ती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में पड़ती हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन किस हेमिस्फेयर का पार्ट है, सदर्न हेमिस्फेयर का पार्ट है, और यहां पर हमें समर देखने को मिलेगा। अब आप प्रैक्टिकली यहां पे जरा सोच के देखो कि जब जून के महीने में
सूरज की किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ रही हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर ही तो है ये रेखा, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में तो जून के महीने में गर्मी होगी, लेकिन जून के महीने में सदर्न हेमिस्फेयर में कौन सा मौसम होगा? सदर्न हेमिस्फेयर में जून के महीने में कौन सा मौसम होगा? सोच के देखिए, विंटर होगा। दिमाग लगाइए, जून के महीने में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में तो गर्मी है, लेकिन कैप्रिकॉन में क्या है? सूर्य की किरणें नहीं पहुंच रही, मतलब वहां ठंडी है। तो इतना कॉमन सेंस लगा लो, इतना कॉमन सेंस लगा लो। मैं आपको यहाँ पे मार्कर से भी यहाँ पे दिखा देता हूँ, अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, जस्ट इमेजिन यहाँ पे देख लो, आपको प्रैक्टिकली फील हो जाएगा। ये आपको इसे रटना नहीं पड़ेगा, फील हो जाएगा थोड़ा सा। देखो पहली बार पढ़ रहे हो तो कन्फ्यूजन तो होगा, है ना, सीख रहे हो आप चीजों को तो थोड़ा कन्फ्यूजन तो देखो होना बनता है। ये मैं आपको अभी बता दूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन होना बिल्कुल बनता है, लेकिन निराश नहीं होना है, सब समझ में आ जाएगा। बस एक बार क्लास के बाद इसको रिवाइज आप लोग कर लेना, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। अरे यार क्या ड्रामा है, एक सेकंड। यहाँ देखिए, एक अर्थ आपकी होगी, एक अर्थ आपकी होगी, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर, और मैं कहता हूं आपका कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर और कैप्रिकॉन, ठीक है। अब यहां पे आप देखो, ये रहा आपका सन, ठीक है। सन की जो किरणें हैं इन द मंथ ऑफ जून वो यहां पे ज्यादा पड़ रही हैं, इन द मंथ ऑफ दिसंबर वो यहाँ ज्यादा पड़ रही है, ठीक है। आप ई मतलब इक्वेटर, ई मतलब इक्वेटर। अब आप इस मैप को खुद देख लो कि जून के महीने में ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये ई रेखा से ऊपर वाला जो पूरा एरिया है, जून के महीने में इस नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में अगर समर है तो ऑब्वियस सी बात है नीचे यहाँ सदर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा? विंटर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सूर्य किरण ढंग से पहुंच नहीं पा रही है, पहुंच तो नहीं हुई लेकिन ज्यादा नहीं है, सन की रेस ज्यादा नहीं पहुंच रही, इसलिए यहाँ सदर्न हेमिस्फेयर में विंटर होगा, ऊपर समर होगा। ऐसे जब दिसंबर का महीना आया तो दिसंबर के महीने में यहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में सूरज किरणें सीधा पहुंच रही हैं, तो यहां पे नीचे तो समर होगा सदर्न हेमिस्फीयर में, लेकिन ऊपर क्या होगा? जहां पे भारत है यहां विंटर होगा। तभी आपको पता है कि दिसंबर के महीने में इंडिया में क्या रहता है? सर्दी। अब बताओ क्लियर है क्या? क्या क्लियर है? क्या क्लियर है सभी को पहले बताओ। अब मैं तुम लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, तुम लोग मुझे आंसर दोगे, तुम लोग मुझे आंसर दोगे। यहां पे लिखा मैंने जून, यहां लिखा मैंने दिसंबर, ठीक। जून के महीने में आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ सूर्य किरणें सीधा किस पर पड़ती हैं? कैंसर पे। क्लियर? ठीक है, मान सकते हो। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और सदर्न हेमिस्फेयर में यहां कैसा मौसम होगा? समर होगा। यहां कैसा मौसम होगा? विंटर होगा। मानते हो? अब बनेगी कहानी, बनेगी बनेगी दिसंबर के महीने में, दिसंबर के महीने में जल्दी बताओ कौन सी रेखा कहां पड़ती है? कैप्रिकॉन, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। क्या होगा यहाँ पे? विंटर होगा। यहां क्या होगा? यहां क्या होगा? समर होगा। बन गया चार्ट? यही तो सीखना था, यही तो सीखना था, यही तो सीखना है। अब सर एक बार एक काम करो, इसको कनेक्ट कर दो पूरे को, याद रखोगे कभी पढ़ा था ये। कैंसर हो या कैप्रिकॉन हो, मुझे इतना पता है कि कैंसर हो या कैप्रिकॉन हो, ये दोनों के दोनों लैटिट्यूड हैं। कैप्रिकॉन भी एक लैटिट्यूड है, कैंसर भी एक लैटिट्यूड है, और इन दोनों लैटिट्यूड की वजह से ही आप समर विंटर देख पा रहे हो, विंटर समर देख पा रहे हो। और मैंने अपनी बात प्रूफ कर दी कि लैटिट्यूड से ही हम पढ़ते हैं क्या सीजन्स, और लॉन्गिट्यूड से हम पढ़ते हैं क्या डे और टाइम, सॉरी डेट और टाइम, डेट और टाइम। ठीक है, फिर हुई बात, पहले मुझे बताइए। इतनी बातें क्लियर हुई, इतनी बातें क्लियर हुई, सर आपकी क्लास लेने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है कि मैं भी एग्जाम निकाल सकता हूँ। क्या बात है कपिल, तुम सब पेपर निकाल सकते हो, पढ़ने के ऊपर है, पढ़ने के ऊपर है, ठीक है। देखो यहाँ अब यहाँ पे ध्यान दो। अब देखो यहाँ पे जो है, पढ़ते पढ़ते एक घंटा होने वाला है। एक बात आपको और बताता हूँ, आज से 2-3 महीने पहले मैंने ये सोचा था कि मैं पढ़ाना वगैरह मतलब जो है छोड़ दूंगा, सीरियसली मैं आपको। चलिए आगे चलते हैं।
चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस, आगे बढ़ते हैं गाइस, शैल वी स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बताइए क्या यहां तक आप सभी को, अभी ये सारी बातें छोड़िए है ना, क्या यहां तक सभी को क्लियरिटी है गाइस? ठीक है, यहां तक क्लियर है? अच्छा मैं एक बार पहले यहां तक पोल करवा के देख लेता हूं भाई कि कितनों को यहां तक चीजें समझ में आई है जहां तक हमने पढ़ा है। करिए टू दबाइए जिनको आ गया। 99% बच्चों को समझ में आ गया अभी, बहुत बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है देखो जिसको भी थोड़ी बहुत दिक्कत हुई तो एक बार रिकॉर्डिंग से काम चलाना भाई, ठीक है आगे बढ़े गाइस। हाँ चलिए गाइस देखो अभी मैं पढ़ते हुए लगभग 1 घंटा हो चुका है, मैं आपको बता दूं 2 मिनट का थोड़ा सा हम रिफ्रेश कर लेते हैं अपना माइंड। मैं आपको देखो अभी पर्सनली बता रहा हूं, तो पॉलिटिकल बैच ये मत सोचिए कि आप इसलिए नहीं आ रहा है कि मुझे किसी की बातों से इफेक्ट हुआ है। एक्चुअली गाइस आई वांट कि अभी यू ऑल नो दैट कि हम रात को जो है करंट अफेयर्स हमारा चल रहा है ना, और हमारा ऑलरेडी हिस्ट्री और ज्योग्राफी चल रहा है, तो मेरे ख्याल से एक समय पे 3 कोर्स पढ़ना सही है, वरना आपको सेल्फ स्टडी के लिए समय नहीं मिल पाएगा। मेरी बात को एक बार सोचिए आप लोग, आप लोग एक बार मेरी बात को सोचिए, ठीक है, क्योंकि आप इस बात को प्रैक्टिकल सोच के देखिए कि ऑलरेडी रात में करंट अफेयर्स आपको पढ़ा, बल्कि आज से तो मैं अभी करंट क्लास 2 घंटे कर दूंगा, क्योंकि करंट अफेयर के 22 क्वेश्चन आते हैं, और आज की जो करंट अफेयर क्लास है ना बहुत अच्छे अच्छे इश्यूज में उसमें खुलने वाला हूं, आप देखना मजा आ जाएगा आपको। आज 9:30 बजे से करंट अफेयर क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ये बात ध्यान में रखना, आज 9:30 बजे से करंट अफेयर क्लास स्टार्ट हो जाएगी, इस बात को ध्यान में रखिएगा आप सभी लोग, पहले सुन लो ठीक है। हाँ 2 सेशन है करंट अफेयर के, अब क्या है कि रातों करंट अफेयर भी आपको देखना है और हिस्ट्री ज्योग्राफी आप देख रहे हो, तो आई डोंट वांट कि आप पूरा दिन जीएस में निकाल दो, आपको इंग्लिश और मैथ्स को भी टाइम देना है, हिस्ट्री ज्योग्राफी करो, जब हमारे इनमें से एक सब्जेक्ट पूरा होगा तो आई विल स्टार्ट पॉलिटी, मुझे तो पढ़ाना है, मेरे को सब्जेक्ट तैयार हो, तो आप ये मत सोचो कि मैं पढ़ाऊंगा नहीं, बिल्कुल मैं आपको पढ़ाऊंगा, मुझे किसी की बातों से इफेक्ट नहीं, मैं तो जस्ट आप लोगों को अपनी फैमिली मानता हूँ, आई एम जस्ट शेयरिंग ओनली माई एक्सपीरियंस विद यू, ठीक है गाइस और कुछ नहीं है, मतलब वही मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किसी भी क्षेत्र में देख लो, ठीक है, मतलब जो है ये चीजें फेस करनी पड़ जाती है। चलिए ऑस्ट्रेलिया की बात भी हम करेंगे है ना, चलो आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। चलिए रेनी सीजन सब कुछ जानेंगे, अभी तो मैंने आपको सिर्फ कहानी कहां की बताई है, चलिए आगे चलते हैं। मुझे एक चीज बताओ, पहले जरा मुझे एक चीज बताइए सभी लर्नर्स, मेरी वॉइस आ रही है सभी को, आई एम ऑडिबल, अब मुझे एक चीज बताओ, पहले आपको बताओ ये जून की कहानी और दिसंबर की कहानी क्लियर हुई क्या? अच्छा मैं इसको समझाने का एक तरीका और लेके आया हूं आपके सामने, ठीक है, ताकि थोड़ा सा क्लियरिटी हो जाए। इमेजिन करो कि मेरा हाथ सन है, इमेजिन करो मेरा हाथ क्या है, सन है, इमेजिन करो मेरा हाथ सन है, क्या है, सन है, मान सकते हो, मान लिया ये मेरा हाथ क्या है, सन है, मेरा हाथ क्या है, सन है, जिसको नहीं समझ में आया वो भी देख लो रट जाएगा। अब ये जो आपके सामने मार्कर आपको दिख रहा है, यहां पे देखिए ये जो मार्कर आपको आपके सामने दिख रहा है, मान के चलो कि ऊपर वाला जो पॉइंट है, ये जो ऊपर वाला पॉइंट है जहां से मैं लिखता हूं, मानो कि ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये नीचे वाला पॉइंट हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, क्या मान सकते हो, मानो ये ऊपर वाला पॉइंट है कैंसर, नीचे वाला है कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अब आप इमेजिन करो कि महीना चल रहा है जून का, कौन सा महीना चल रहा है, जून का, ये है मेरा हाथ सन। चलिए अब आप देखो, अब आप जरा मुझे यहां पे देखो, ऊपर वाला जो बिंदु है ये क्या है, कैंसर है, ये क्या है, कैप्रिकॉर्न है, जरा मुझे बताओ सन की रेस किसके ज्यादा पास पड़ रही है, कैंसर के या कैप्रिकॉर्न के, देख के बताओ, देख के बताओ, सन की रेस ज्यादा कहां पड़ रही है, कैंसर पे, गर्मी कहां पे होगी ज्यादा जून के महीने में, कैंसर पे, तो कैंसर पे जो भी देश होंगे वहां गर्मी होगी, कैंसर किस हेमिस्फीयर में पड़ती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस हेमिस्फीयर में पड़ती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी है। आप समझो ये आपकी अर्थभूमि, 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 अर्थ जो है देखो ऐसे थी ना अर्थभूमि, और अब अर्थ ऐसे हो गई, अब आपकी जो है अर्थ ऐसे हो गई। अब आप मुझे बताओ ये कैंसर थी ऊपर कैंसर, नीचे कैप्रिकॉर्न, ये अर्थभूमि अब ऐसे आ गई, अब देख के बताओ कि सन किसके ज्यादा पास है, अब देख के बताओ सन किसके ज्यादा पास है, किससे दूर है, दूर किससे है, कैंसर से, तो कैप्रिकॉर्न पे ज्यादा गर्मी होगी, कैप्रिकॉर्न पे ज्यादा गर्मी होगी, कैंसर पे ठंडी होगी, कैप्रिकॉर्न कहां पड़ता है, सदर हेमिस्फीयर में, कैंसर कहां पड़ता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब यहां पे क्या है, ठीक है सॉरी टू से मुझे हरकत करनी पड़ी, बट मैं समझाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं, मैं आज बता रहा हूं मैं समझाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं, किसी भी हद तक मैं जा सकता हूं, मेरी इस बात को ध्यान में रख लेना। अब यहां देखना, अब यहां पे समझो ये जो तुम ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया कर रहे हो ना, ये सब हो जाएगा, तो मैं ऑस्ट्रेलिया पूरा घुमा दूंगा ढंग से, मैं यकीन से कह रहा हूँ, वहां से 3 महीने बाद जब भी बैच खत्म होगा ना, आंखें बंद करके पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी उंगली रखोगे बता दोगे वहां कैसा क्लाइमेट है, वहां कैसा फॉरेस्ट है, यकीन मानना। मैं बहुत ज्यादा इस टाइम पे फ्रस्ट्रेट हूँ, बिकॉज मुझे इस पूरे बैच को रिजल्ट देना है इस बार, आप यकीन मानना, आप सुना, इट्स अ चैलेंज फॉर मी, ठीक है। तो बस अब इस टाइम जो है बहुत सीधा मैं 2 ही सब्जेक्ट ले रहा हूँ, तरीके से ले रहा हूँ मैं, इस बार जब पॉलिटी उतरेगा मैदान में तो वो भी ढंग से उतरेगा। अब यहाँ ध्यान दो, अभी इस फिगर पे आप जरा ध्यान से आइए,
अगर हम लोग यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक सी बात करें, एक दो तीन और चार, ठीक है जी, कृपया करके यहाँ पे सुनते रहिए आप लोग और आनंद लेते रहिए जिंदगी का। यहाँ पे जो है ऐसे 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 और जी ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मैंने क्या किया, यहाँ पे बना दिया सन। अब यहाँ पे दोबारा देखो जून सितंबर, यहाँ देखते रहो यार, अभी अब पता चलेगा कि तुम्हें क्यों वॉच मिनट बढ़ते हैं, क्यों समय लगता है। अगर ये टॉपिक से पढ़ा के आगे हवा में निकल जाना होता ना, तो 10 मिनट में पढ़ाना मैं भी जानता हूँ, ये बात ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि बेवकूफ बनाने की टेक्निक हमें नहीं आती, 5 साल हो गए मुझे सेक्टर में, लेकिन अगर मैं यहाँ पे गद्दारी करूंगा तो मुझे लगेगा कि ये कमाई मेहनत की नहीं है, ये बच्चे को बेवकूफ बनाने की कमाई। आप ही से है, मैं आपके मुंह पे कह रहा हूँ, मैं आपसे ही हूँ, आप नहीं होंगे तो हम क्या, कुछ भी नहीं है, आपके मुंह पे कह रहा हूँ लोग, ठीक है। आइए, ये हो गया आपके सामने पूरा। अब आप जरा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जून की पूरी कहानी आप समझ गए कि सन की रेस ऊपर जा रही है कैंसर पे ज्यादा, हाँ जी सर। दिसंबर की कहानी पूरी समझ गए कि सूर्य किरणें कैप्रिकॉन पे ज्यादा जा रही हैं, कैप्रिकॉन पे ज्यादा जा रही हैं, यहाँ पे ज्यादा कैंसर पे जा रही हैं, ठीक है। अब आप लोग जरा यहाँ पे ध्यान मत डालना, मैं यकीन से बता रहा हूँ, ऐसा डालूंगा कॉन्सेप्ट तुम्हारी बॉडी के अंदर ना आ जाइए, याद रखोगे कभी पढ़ा था ये टॉपिक इससे। यहाँ देखना जरा, ये ऊपर जो है ये कैंसर है, ये बीच में जो है इक्वेटर, और भाई साहब ये हो गया आपका कैप्रिकॉन, हाँ जी सर बिल्कुल, ऊपर कैंसर, ऊपर जो है आपका कैंसर, बीच में जो है आपका इक्वेटर, और जी ये जो है ये हो गया कैप्रिकॉन। अब आप जरा यहाँ पे ध्यान देना तो आपको समझ में आएगा, और मैं जब तक आप लोगों से एक बात बोलूंगा ना तो कमेंट्स मत करना, सिर्फ मेरी बात को देखना कि समझ पा रहे हो। अगेन आ जाओ जरा, ठीक है। ये मेरा हाथ सन है, मेरा हाथ सन है, ऊपर वाला पॉइंट कैंसर है, नीचे वाला कैप्रिकॉन है, सेम वही लॉजिक। आइए, ये रहा जून का महीना, देखिए ये रहा जून का महीना, जून के महीने मुझे दिख रहा है कि कैंसर पे सूर्य किरणें सीधा पड़ रही है, ऊपर वाला बिंदु कैंसर है, नीचे वाला कैप्रिकॉन है, जून के महीने में सूर्य की किरणें कैंसर पे सीधा पड़ रही है। अब क्या हुआ कि दिसंबर में हमने क्या किया था, देखा दिसंबर में हमने क्या देखा कि कैप्रिकॉन है, कैप्रिकॉन पे सूर्य किरणें ज्यादा पड़ रही है, ऊपर कैंसर पे नहीं पड़ रही है। लेकिन आप ये समझो कि जब ये मेरी अर्थ है, अभी मुझे दिख रहा है कि ये मेरी अर्थ है, सॉरी ये अर्थ है, ये सन है, हाथ मेरा सन है, अभी मुझे दिख रहा है कि सन की किरणें कैंसर पे ज्यादा पड़ रही है। अब ये जून है, जुलाई अगस्त सितंबर, अब आप ये देखो सितंबर में यहाँ पे अर्थ की पोजिशन, अर्थ की पोजिशन सितंबर में यहाँ पे, तो सन की किरणें ना कैंसर पे पड़ेगी ना कैप्रिकॉन पे, बीच में पड़ेगी इक्वेटर पे, बीच में पड़ेगी इक्वेटर में, ठीक है। जैसे कि आप इमेजिन करो, यहां देखना अभी आपका सन है, सन की जो किरणें हैं अभी कैंसर पे पड़ रही हैं, ये जून का महीना है, जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर में क्या हो रहा है कि अर्थ का जो बीच वाला हिस्सा है, सितंबर के महीने में अर्थ का जो बीच वाला हिस्सा है वो सन के सामने है, तो सन की किरणें ना तो कैंसर पे पड़ेगी ना कैप्रिकॉन पे, बीच में पड़ेगी, बीच में बीच में बीच में बीच में, मतलब सन जो है, सन की जो किरणें हैं वो यहां पड़ेगी इक्वेटर पे, ना कैंसर पे पड़ेगी ना कैप्रिकॉन पे, इक्वेटर पे पड़ेगी, इक्वेटर पड़ेगी, इक्वेटर पे अगर सन की किरणें पड़ रही हैं, इसका मतलब आप लोग, ये सितंबर का महीना है, सितंबर के महीने में सूरज की किरणें इक्वेटर पड़ रही हैं, आप लोग सितंबर के महीने में अपने आप को ले जा लो, आज मैं कहता हूं आप लोग सब अपने आप को सितंबर के महीने में ले जाओ। अभी तो मैं कह रहा हूं क्या चल रहा है, मार्च चल रहा है, मार्च को हटाओ, आप लोग सितंबर के महीने में अपने आप को ले जाओ और याद करो कि सितंबर के महीने में ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्मी, आप पता नहीं लगा सकते ठंड या गर्मी है, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्मी, क्यों, क्योंकि सन की रेस सितंबर के महीने में इक्वेटर पड़ रही है। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, यहां देखो ये जून का महीना, सन की रेस कैंसर पे पड़ रही है, ये सितंबर बीच में पड़ रही है, ये दिसंबर सन की रेस कैप्रिकॉन पे पड़ रही है ज्यादा, और अब आप देखो ये रहा मार्च, ये मार्च का महीना, अभी आप लोग मार्च के महीने में जी रहे हो, अभी आप लोग मार्च के महीने में जी रहे हो, ना सन की रेस कैंसर पे है ना कैप्रिकॉन पे, बीच में पड़ रही है इक्वेटर पे, और आप खुद अब जहां पे बैठो फील करके देखो, मार्च में ना ज्यादा ठंडा है ना ज्यादा गर्म है, क्योंकि सूरज की किरणें इक्वेटर पे पड़ रही हैं। दैट्स ऑल, बिल्कुल सितंबर और मार्च में कंडीशन एक जैसी रहेगी, बिल्कुल आप कह सकते हो कि सितंबर और मार्च में कंडीशन एक जैसी रहेगी, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडी, ठीक है।
क्लियर क्लियर। नहीं नहीं गाइस देखिए, आप लोग मेरी रिक्वेस्ट है, हमसे हमारी तारीफ मत करो, हम वॉचमेट के लिए पढ़ाते हैं यार एक्चुअली ना, हमें अपना वॉचमेट पढ़ाना है, मैं अपने वॉचमेट के लिए पढ़ाता हूँ यार ठीक है। अगर आज ये चीजें मैं आपको इतना समय देके ना पढ़ाता ना, मैं मानता हूँ इस क्लास में कई सारे टॉपर्स होंगे, मैं मानता हूँ कई ऐसे होंगे जो मुझसे भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे, लो मैं कहता हूँ ठीक है, मुंह पे कह रहा हूँ तुम्हारे, मैं मानता हूँ कई ऐसे होंगे जो मुझसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे यार, बट कभी एक बार ये सोचना कि सब बच्चे कैसे नहीं होते। अगर आप ये सोचोगे ना कि आप हवा में बिल्कुल पढ़ा के निकल जाओगे, मैं कहता हूँ मैं यार चार टॉपिक पढ़ाऊंगा, बट मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको सिखाऊंगा। तो मैं ये थोड़ी कि यार मुझे पता कि आज की क्लास में अगर लिखा है लेटिट्यूड तो मुझे आज खत्म ही करना है, ये तो मजबूरी वाली बात हो गई ना कि बस निपटाना है। मैं धंधा नहीं बनाता एजुकेशन को यार, मैंने ऑफलाइन एजुकेशन इसलिए छोड़ी थी बिकॉज मुझे वहां पे कहा जाता था कि भैया 3 महीने में निपटा दो, और जो बच्चा वहां पे फीस दे रहा है ना, आपको नहीं पता वो कैसे दे रहा है, उसके माँ बाप की साल भर की पता नहीं मेहनत की कमाई है वो, तो ऐसा नहीं कि मैं उस चीज की इज्जत नहीं करता। और अब एक बात हमेशा ध्यान है, एक टीचर को कभी खुशी नहीं होगी उसका बच्चा पेपर में अच्छा परफॉर्म ना करे, अगर आपका कभी पेपर अच्छा नहीं गया ना तो आपसे दुख हमें भी होता है कि हमारे शायद से हमें कुछ कमी रह गई होगी, बट ये ना मत दो इस चीज को कि वॉच मिनट, ये तो मतलब सीधा सीधा मतलब मैं आपको बताऊं कि बहुत ही ज्यादा, जितना मैं कहता हूँ एक लड़की को बुरा लगता है ना जब उसका रेप होता है, मैं पर्सनली कह रहा हूँ उतना एक टीचर को बुरा लगता है जब उसकी टीचिंग के ऊपर उंगलियां उठाई जाती है, मैं मुंह पे कह रहा हूँ आपको, मुझे हर्ट हुई है वो बात बहुत ज्यादा, मैं जान लगा देता हूँ यार पढ़ने में, लेकिन वो चीज है कि मतलब ना मतलब यार ये सब बर्दाश्त नहीं है, पता है कुछ भी बोल लो आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लियर गाइस। अच्छा अब आप लोग मुझे एक चीज बताइए, आई एम ऑडिबल गाइस, अब आप लोग मुझे एक आंसर दें, अगर मैं आप लोगों से एक बहुत ही बेसिक सी बात पूछूं, अगर मैं आप लोगों से एक बहुत ही बेसिक सी बातें पूछूं ठीक है, अगर मैं यहां पे आप लोगों से एक बहुत ही बेसिक सी बात करूं, ध्यान से देखिएगा, अब आपको जो है इतनी बातें समझ में आ गई होगी, आई एम ऑडिबल गाइस। शिवानी उसका भी लॉजिक आएगा, वो तो आपको पता है कि आप इन्वायरमेंट को बर्बाद कर रहे हो शिवानी, तापमान जो है बदल रहा है, मैं वही बता रहा हूं ना आपको, इक्वेटर पे तो गर्मी होगी, सुनिए मेरी बात। अब यहां पे देखिए, ध्यान से देखिए, अब आपको यहां पे दो चीज समझनी है, इस फिगर को एक बार जरा देखो प्लीज, एक बार इस फिगर को देखो, इस फिगर का भूत बन चुका है मुझे पता है, कोई बात नहीं काम चलाना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, यू शुड मैनेज विशाल सर। अच्छा आज कोई करंट अफेयर क्लास मत छोड़ना, शेयर कर देना हर जगह, आज हिंदू के कुछ बहुत जबरदस्त एडिटोरियल्स हैं, एक एक लाइन समझाऊंगा आपको, मजेदार मजा आ जाएगा, ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी पेपर टू के लिए, एसएसबी के लिए टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, और एमसीक्यू बन जाएंगे आपके 3-4 वहां से पेपर के अंदर, तो कोई क्लास मत छोड़ना, बहुत जबरदस्त क्लास है आज, मजा आ जाएगा आपको ठीक है, बहुत अच्छे से एनालिसिस करूंगा एडिटोरियल्स का हिंदू के। आइए यहां पे देखिए, अब यहां पर क्या चीज है जरा इस फिगर को देखिए, इस फिगर को ध्यान से देखिए, जो आपको दिख रही है इस फिगर को ध्यान से देखिएगा, अब आपको ये पूरा मैप रट चुका है, भूलोगे नहीं जिंदगी में, जून में गर्मी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, सदर्न हेमिस्फेयर में ठंडी यानी कि विंटर, दिसंबर के महीने में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर, सदर्न हेमिस्फेयर में समर, सदर्न हेमिस्फेयर में समर, और मार्च और सितंबर ऐसे 2 महीने हैं जहां पर हम लोगों को पता नहीं चल पाता कि गर्मी ज्यादा है या कम है, ठंड ज्यादा या कम है, बिकॉज आपको यहाँ पे ठंड और गर्मी दोनों फील होती है, मार्च और सितंबर 2 ऐसे महीने हैं जहां पे आप ठंड और गर्मी का पता नहीं लगा सकते कि क्या चीज ज्यादा है क्या चीज कम है ठीक है, और ऐसी सीजन को हम बोलते हैं ऑटम, या आपने सुना होगा स्प्रिंग वगैरह, तो वो सब हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों को ये पूरा सर्कल समझ में आ गया क्या, ये पूरा सर्कल क्लियर है क्या आप सभी को? ओके आगे बढ़े, चलिए ना बहुत अच्छी बात है बिल्कुल, तो अगर आप मुझे आगे दे तो क्या मैं एक गिलास पानी पी सकता हूँ, एक गिलास पानी अगर पी लूँ बिल्कुल। अच्छा इसी चीज पे काम कर दो, जल्दी से यहाँ पे जो है पोल पे एक बार क्लियर कर दो, जितनों बच्चों को समझ में आ गया तो एक बार ट्रू पे दबा दे, जितनों को समझ में आ गया वो ट्रू पे दबा दे ईमानदारी से। चलिए एक कह रहा नहीं, क्या बात भाई 100% बच्चों ने कर दिया काम, यहाँ ऐसा पहली बार हुआ इतिहास में कि कभी 100% आया है, वरना ये कभी आता नहीं। ओ भाई साहब तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ये पहली बार हो गया, इतिहास बन गया। हाँ यार पानी पीने में वॉचमेट बढ़ जाएगा, आओ चलो भैया सर पानी पी के वॉचमेट बढ़ा रहे हैं चलो आइए आगे चलते हैं, चलिए यहां तक बात हो गई है आगे चलते हैं, आगे चलिए यहां तक क्लियर गाइस। सर पूल नहीं आया मेरे पास, बेटा पूल नहीं होता, पोल होता है, पूल चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यान से देखेंगे, हाँ शुरू करें, चलिए ध्यान देंगे आगे चर्चा करते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सभी लर्नर्स, आगे बढ़ते हैं अभी सुनो मेरी बात, तुम्हारे तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर ये
समर सोलिस्टिस, क्या इसी को बोलते हैं क्या सर? जो है कभी सुना था सर हमने ऐसा कुछ है सर, ये विंटर सोलिस्टिस जो है सर इसी कुछ बोलते हैं क्या सर? इसलिए नहीं पूछ रहा, गुस्सा हो जाओगे सर। सर ये इक्विनॉक्स सर, सर ये सब जो है वही सब है क्या सर? तुम्हारी फीलिंग्स तक जानता हूँ मैं, तुम्हारे मन में बेचैनी हो रही है कुछ, तो डर के मारे में नहीं पूछ रहे सर। समर सोलिस्टिस, विंटर सोलिस्टिस सर, सर इक्विनॉक्स सर, चुपचाप मुंह नीचे करके सर जरा इक्विनॉक्स बताना तो ये सब बताऊंगा मैं आपको, ठीक है? अच्छा सर, अभी तक क्यों नहीं बताया? सुनो इसका रीजन सुनो, तुम्हारी पूरी तुम्हारी को यार मैं जानता हूँ अंदर, तुम कहाँ तक सोच सकते हो। देखो मैंने सब अभी आपको क्यों नहीं बताया, दिस रीजन बिहाइंड दिस। सर क्या रीजन है सर? एक्चुअली अभी ना मैं कुछ पॉइंट्स बना रहा हूँ, अभी हम कुछ पॉइंट्स बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? पॉइंट्स। और बाद में हम इन सब पॉइंट्स को जब मिला देंगे ना, तो आपकी पूरी स्टोरी आपको पता चल जाएगी, क्या इक्विनॉक्स है, क्या समर सोल्स्टिस है, क्या विंटर सोल्स्टिस है। क्लियर? ठीक है, हाँ ठीक है। अभी क्या है कि घर बन रहा है। अच्छा, घर जब बन रहा होता है तब अच्छा दिखता है, या जब मतलब पूरा बनने के बाद अच्छा दिखता है? जब घर हम कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं तो आधे में नहीं अच्छा लगता ना, पूरा बन जाता है तो फील आता है कि हाँ लग रहा है कुछ, तो वही मैं कर रहा हूँ। पहले बेसिक तुम्हारा अच्छा कर दूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। चलो बिल्कुल कंप्लीट होने के बाद, बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़े, डर यहाँ तक। हाँ चलो ठीक है, जो है हाँ चलिए चलिए, बहुत बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक बात हमने कर ली, अब हम लोग चर्चा आगे करते हैं। जरा इस बात को भी आप लोग समझो, एक कंसेप्ट और समझाते हैं। थैंक यू जाकिर खान भाई, एक कंसेप्ट और समझो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए देखिए, यहाँ ध्यान से देखिएगा, अब एक कंसेप्ट यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा। देखिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। अब एक बहुत बड़ा यहाँ पे क्या है, फैक्ट है। इस फैक्ट को नोट डाउन कर लेना, जरा काम आएगा। फैक्ट क्या है कि डे एंड नाइट, चलो एक काम करो, इस फैक्ट को भी छोड़ो, पहले पहले इसी फिगर पे आ जाओ। यहां देखो, आपने एक बात सुनी है कि जब भी समर होता है तो हमने एक बात सुनी है कि दिन बड़े होते हैं नाइट छोटी होती है। सुनिए, सभी ने बात सुनी होगी कि गर्मियों में दिन बड़े होते हैं रातें छोटी होती हैं। अब यहां कुछ होंगे, सर कैसे? कुछ नहीं भाई, गर्मियों में सूरज निकल जाता है पहले, थोड़ा सा दिन लंबे रहते हैं, रातों की लेंथ थोड़ी छोटी हो जाती है। गर्मियों में दिन ही तो बड़े होंगे, गर्मियों में ऑब्वियस ही बात है, डे वाला टाइम बड़ा होगा, नाइट वाला छोटा होगा। और आप सभी ने यह भी सुना होगा कि जो विंटर है, विंटर में जो डे होते हैं ये छोटे होते हैं और जो नाइट है इनकी लेंथ बड़ी होती है। हाँ या ना? अब जो है चलो एक थ्रेड तो है ना, आप गर्मियों में सूरज जल्दी निकल जाता है तो इससे दिन भी लंबा रहेगा, सर्दियों में सूरज लेट से निकलता है तो दिन छोटा रहेगा, रातें लंबी रहेंगी। ये भी लॉजिक आप कॉमन सी बात है, मतलब इसको ऐसा कोई मुझे मुंह से समझाने के लिए नहीं है। पहले तो इस बात को आप रट लो कि समर में दिन लंबे होते हैं रातें छोटी होती हैं, और विंटर में दिन छोटे होते हैं रातें बड़ी होती हैं। अब हम पहले तो एक पॉइंट, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, पहले मैं सारी चीजें जो है आपके सामने रख रहा हूँ, फिर मैं उनको मिला दूंगा। अब वही चीज करने जा रहा हूँ मैं, पहला फंडा देखो यहाँ पे, और मजा आ जाएगा बिल्कुल। अच्छा सर हाँ, और तब तुम बोलना कि इस तरीके से पढ़ाना सही है या 1 घंटे में निपटाना सही है, ये तुम आज तय करके जाओगे। चलो अब यहां पर क्या है, डे और नाइट, मैंने आप लोगों से एक बात बोली थी कि डे और नाइट का होना, अक्यूरेंस ऑफ डे और नाइट, अक्यूरेंस ऑफ डे एंड नाइट, दिन और रात का होना रोटेशन की वजह से होता है। डे और नाइट का होना, डे और नाइट का होना, दिन और रात का निकलना, दिन और रात का होना रोटेशन के कारण होता है। लेकिन लेकिन इस बात को ध्यान में रखना, इस बात को ध्यान में रखना कि वेराइशन वेराइशन इन द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, वेराइशन इन द लेंथ ऑफ डे और नाइट, नाइट की लंबाई, दिन की लंबाई, नाइट की लंबाई का बढ़ना घटना, दिन और रात की लंबाई का बढ़ना घटना रेवोल्यूशन के कारण होता है। अब आप खुद यहां पे जरा देखो, इस पॉइंट को जरा समझो, जब ये अर्थ आपकी घूम रही है, कैसे घूम रही है, यहां देखना ऐसे घूम रही है, सन की ओर, सन की ओर ये अर्थ घूम रही है। जब ये अर्थ यहां थी तो गर्मी थी, जब ये अर्थ यहां पे थी तो गर्मी थी, मतलब दिन लंबे रातें छोटी। जब ये अर्थ आपकी यहां पे आई, जब ये अर्थ आपकी यहां पे आई तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ठंडी हो गई, मतलब रातें लंबी दिन छोटे। अगर ये अर्थ यहां से यहां ना आती, अगर मैं कहूं ये अर्थ यहां से यहां ना आती, तो ऑब्वियसली बात आपको ना देखने को मिलते नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में,
जब अर्थ आपकी यहां पे है तो जून के महीने में दिन लंबे हैं रातें छोटी हैं, जब अर्थ आपकी घूमती 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 यहां आई तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रातें लंबी हैं दिन छोटे हैं, और अर्थ जो घूम रही है सन के ओर, सन के किनारे जो अर्थ, सन के चारों जो अर्थ घूम रही है, इसी तो रेवोल्यूशन बोलते हैं। अगर ये अर्थ ना घूम रही होती तो आपको ये वेरिएशन, ये चेंजेस कैसे देखने को मिलते? जब अर्थ घूमी तभी तो आपने देखा कि जून के महीने में दिन लंबे, दिसंबर के महीने में दिन छोटे, जून के महीने में रातें छोटी, जून के महीने में रातें छोटी। दोबारा से कहूंगा, जब ये अर्थ घूमी तो जून के महीने में दिन लंबे रातें छोटी, कहां पर? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। जब ये अर्थ घूमी तो दिसंबर के महीने में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन छोटे रातें लंबी। अगर ये अर्थ घूमती ही ना तो ये दिन और रात की लंबाई में जो चेंज आ रहा है, वेरिएशन आ रहा है, अगर ये अर्थ घूमती ना सन के चारों तो पता कैसे चलता? तो यहां खुद सोचो ना, मैंने क्या लिख दिया, मैंने क्या लिख दिया कि भैया दिन और रात होने के पीछे तो रोटेशन जिम्मेदार है, जो मैंने स्टार्टिंग में ही आज बताया था। लेकिन दिन और रात की जो लंबाइयां हैं, दिन और रात की जो लेंथ है, इसमें अगर चेंज आ रहा है तो उसके पीछे रेवोल्यूशन जिम्मेदार है। अब जो है, अभी भी जो है, एक यहां पे कमी है। क्या कमी है सर? अभी भी आंसर हमारा गलत हो जाएगा। अच्छा सर, हाँ याद रखो यार, तुम लोगों को इतिहास ही खोलता हूं उसका पूरा। वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, दिन और रात की लंबाई में जो बदलाव आ रहे हैं, दिन और रात की लेंथ में जो बदलाव आ रहे हैं, कभी रात लंबी कभी दिन छोटे, कभी दिन लंबे कभी रात छोटी, मैंने बोला इसके पीछे कारण है रेवोल्यूशन। खाली रेवोल्यूशन बोलना बिल्कुल गलत है। रेवोल्यूशन के साथ अर्थ का टेढ़ापन भी तो जरूरी है, अर्थ का टिल्ट, जो अर्थ झुकी हुई है। अगर अर्थ झुकी भी ना हो, अगर अर्थ झुकी ना होती, ये लो यार पुलिस की रामकथा खोल, ये लो, मान लो अर्थ झुकी भी नहीं है, अर्थ झुकी भी नहीं है, ये तीनों लाइंस, ये तीनों लाइंस, अर्थ झुकी भी नहीं है, ये तीनों लाइंस, अगर अर्थ झुकी भी ना होती ना, ये भी याद रखना, अगर अर्थ झुकी भी ना होती तो जितनी सन की रेज यहां पड़ रही है उतनी यहां पड़ रही होती, यहां पड़ रही होती उतनी यहां पड़ रही होती, तीनों रेखाओं में बराबर गर्मी होती। अगर अर्थ टेढ़ी ना होती तो सन की जितनी रेज यहां पड़ रही है उतनी यहां पड़ रही होती, उतनी यहां पड़ रही होती उतनी यहां, मतलब चारों समय पर अर्थ पे, चारों समय पर, एक दो तीन और चार, चारों समय पर सूर्य किरणें सेम पड़ रही होती हर जगह पे, यहां भी यहां भी यहां भी, अगर अर्थ टेढ़ी ना होती। अर्थ थोड़ी सी टेढ़ी है, अर्थ टेढ़ी है, साथ साथ रेवोल्यूशन हो रहा है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से ही, इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से ही दिन और रात कि जो लंबाई है उसमें चेंजेस आ रहे हैं। खाली रेवोल्यूशन से नहीं होगा, अर्थ टेढ़ा होना भी जरूरी है, खाली टेढ़े होने से नहीं होगा, रेवोल्यूशन होना भी जरूरी है, इन दोनों के कारण ही ये चीज होगी। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। अब यहां देखो, अब क्या है, पिक्चर बनाओ, बनाओ पिक्चर, ठीक है? पिक्चर क्या बनाई सर हमने कि भैया डे और नाइट होने के कारण दिन और रात क्यों हो रहा है? एक बड़ी आंसर सर, रोटेशन के कारण। सर दिन और रात की जो लंबाई है, सर दिन और रात की जो लंबाई है, कभी दिन बड़े होते हैं कभी दिन छोटे होते हैं, कभी डे की लेंथ ज्यादा होती है कभी कम होती है, कभी नाइट की लेंथ ज्यादा होती है कभी कम होती है। सर क्यों? बिकॉज ऑफ रेवोल्यूशन, और रेवोल्यूशन के साथ साथ अर्थ का टिल्टेशन, अर्थ का थोड़ा टेढ़ा होना, कंसेप्ट प्लस बेस फाउंडेशन यहीं से बनता है, अगर कभी फ्यूचर में यूपीएससी देना हो, रटने से नहीं होता, ठीक। कंसेप्ट नंबर टू कि भैया मार्च और सितंबर दो ऐसे महीने जहां पे हमें सर्दी गर्मी का पता नहीं चल पाता कि सर्दी ज्यादा है गर्मी ज्यादा है, ठीक है। और जो है जून की अगर बात करूं तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में गर्मी, सदर्न हेमिस्फेयर में ठंडी, दिसंबर की बात करूं तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ठंडी और जो है सदर्न हेमिस्फेयर में गर्मी, यानी कि समर। अब सर ये विंटर सॉलिस्टिस क्या है, समर सॉलिस्टिस क्या है, इक्विनॉक्स क्या है? अब जब ये चीज अब आपको पढ़ाऊंगा तो आपके लिए खेल है, लेकिन उस खेल तक पहुंचने के लिए पहले मुझे फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी थी जिसमें समय लगता है, ठीक है? तो इसे वॉचमैन बढ़ाना नहीं बोलते, इसे बच्चे को सिखाना बोलते हैं, ठीक है? ये हो गया।